दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो लैपटॉप्स के बीच में, जिसमें से एक आता है इन्फिनिक्स की तरफ से X1 स्लिम, दूसरा लैपटॉप है डेल की तरफ से वेक्स्ट्रो 3515 वाला मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी इन्फिनिक्स की बहुत ही ज़्यादा कमाल की कंप्लीट मेटेलिक बिल्ड मिल जाएगी, जो कि सारे प्राइस रेट में बिल्कुल नहीं मिलती। बाकी डेल में आपको वही कंप्लीट, आपको वही नॉर्मल सी प्लास्टिक जो है वही आपको देखने मिलेगी, प्लस जो फॉर्म फैक्टर है वो उसके मामले में भी इन्फिनिक्स का लैपटॉप काफी सही है, काफी पतला है, काफी हल्का है एज कम्पेयर टू डेल वाला लैपटॉप। प्लस यहाँ पे वेबकैम तो आपको दोनों में मिल जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के साथ भी आते हैं, चूंकि HD वेबकैम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पे दो LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो चीज़ आपको डेल में देखने को नहीं मिलती। प्लस यहाँ पे कीबोर्ड आपको दोनों में मिलेगी, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पे सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड मिल जाती है, मतलब इसमें लाइटें भी जलेंगी, जो चीज़ आपको डेल में नहीं मिलती। तो यहाँ पे फिजिकल ओवरव्यू में जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें इन्फिनिक्स का लैपटॉप विन कर जाता है। प्लस यहाँ पे बात करें अगर पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा, सभी पोर्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन्फिनिक्स में आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको टाइप सी वाली मिल जाती है, और डेल में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। प्लस यहाँ पे जो RJ45 वाली जो यहाँ पे पोर्ट है वो आपको दोनों ही लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता। इसके बाद जो यहाँ पे कंसिस्टेंट लॉक है वो आपको इन्फिनिक्स में ही मिलेगा, डेल में देखने को नहीं मिलता, बस यही डिफरेंस था, बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। बाकी बात करें अगर यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी इन्फिनिक्स में आपको काफ़ी कमाल की मिल जाती है। 14 इंच का डिस्प्ले, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है, और डेल में आपको यहाँ पे 15.6 इंचेस का थोड़ा सा बड़ा लैपटॉप देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे दोनों फुल HD हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स में हमको IPS LCD पैनल मिल जाता है, ये एंटी ग्लेयर वाला है, मतलब कोई रिफ्लेक्शन का इशू नहीं है। डेल में आपको यहाँ पे WVA वाला पैनल मिलता है, ये भी एंटी ग्लेयर है। तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज मैं कहूँगा कि यहाँ पे इन्फिनिक्स का लैपटॉप सही रहने वाला है, क्योंकि IPS पैनल में हमको व्यूइंग एंगल एक्सपीरियंस काफी कमाल के मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको दोनों में 60Hz का ही मिलता है, नॉर्मल सही है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो आपको इन्फिनिक्स में 300 nits की मिल जाती है, और डेल ने कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं किया है, लेकिन इस वाले प्राइस रेट में मैंने जनरली देखा है कि यहाँ पे लैपटॉप में 220 से लेकर के 250 nits तक की होती है। ये बेसिकली एक नंबर होता है, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइट रहने वाला है, तो ब्राइटनेस के मामले में इन्फिनिक्स का लैपटॉप सही रहने वाला है। बाद अगर यहाँ पे डिस्प्ले के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें, तो इन्फिनिक्स में यहाँ पे 72% हमको NTSC मिल जाता है, जो कि इक्वालेंट हम लोग मान सकते हैं 100% sRGB के, और डेल में भी यहाँ पे भी कोई ऑफिशियली डिटेल नहीं दिए, लेकिन इस वाले प्राइस कैटेगरी में मैंने जनरली देखा है कि यहाँ पे 45% यहाँ पे NTSC मिलता है, जो कि इक्वालेंट होता है 60-65% sRGB के। अगर ये लोग 100% अगर यहाँ पे sRGB देते तो यहाँ पे लोग जरूर 100% लोग मेंशन करते, मेंशन नहीं किया तो मतलब यही वाला आपको डिस्प्ले मिलता है। ये बेसिकली एक नंबर होता है, यहाँ पे जितना ज्यादा नंबर होगा हमको यहाँ पे कलर एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पे हर मामले में इन्फिनिक्स का यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे काफी सही रहने वाला है क्वालिटी वाइज। फिर बात करें अगर यहाँ पे चिपसेट की, तो आपको इन्फिनिक्स में यहाँ पे इंटेल की तरफ से कोर i3 10th जनरेशन मिल जाती है, 1005G1 इसका मॉडल नंबर है, और डेल में आपको यहाँ पे AMD की तरफ से आने वाली Ryzen 3 3250 का यहाँ पे मॉडल नंबर है, और बाकी दोनों ही चिपसेट यहाँ पे डुअल कोर है, यानी कि दो कोर और आपको यहाँ पे 4 थ्रेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करें, तो आपको दोनों में यहाँ पे IGPU मिलता है, कोई भी eGPU देखने को नहीं मिलेगा। इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पे इंटेल का UHD ग्राफिक्स मिल जाता है, और डेल में आपको यहाँ पे AMD की तरफ से आने वाला Radeon RX Vega 3 मिल जाता है। याला जो डेल वाला जो यहाँ पे ग्राफिक्स है, ये थोड़ा सा ज्यादा हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं एज कम्पेयर टू इंटेल वाला ग्राफिक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे NM की बात करें, तो इन्फिनिक्स वाला जो चिपसेट है वहाँ पे 10 NM पे बेस्ड है, बाकी डेल में आपको यहाँ पे 14 NM पे बेस्ड है। मैं खाली यहाँ पे इतना ही खाली बता रहा हूँ, इतना खाली आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। बाकी बात करूँ अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो आपको दोनों में विंडोज 11 मिल जाता है, 64-bit वाला है, तो इसके लिए दोनों कंपनीज को थम्स अप। प्लस बात करें अगर यहाँ पे बैटरी की, तो आपको बैटरी का सेटअप भी इन्फिनिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, 50 Wh वाला आपको यहाँ पे सेटअप मिल जाएगा, और डेल में आपको थोड़ी सी बैटरी का साइज थोड़ा सा कम मिलता है, 41 Wh वाला मिलता है। तो बैटरी का बैकअप आपको डेफिनेटली इन्फिनिक्स में ही अच्छा मिलने वाला है। चार्जर आपको दोनों में अच्छे मिल जाते हैं, 65 Wh का सुपर फास्ट अडैप्टर आपको इन द बॉक्स में ही मिल जाएगा। फिर बात करें अगर यहाँ पे कुछ और अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो दोनों ही लैपटॉप में हमको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक ऑप्शन नहीं मिलता। वाईफाई का वर्जन काफ़ी लेटेस्ट है, 5 वर्जन मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन भी काफी लेटेस्ट है। प्लस यहाँ पे जो स्पीकर आपको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट आपको दोनों ही लैपटॉप में मिल जाएगा, तो ऑडियो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काफी कमाल का रहने वाला है। फिर बात करें अगर यहाँ पे रैम रोम अगर उसके टाइप की, तो आपको इन्फिनिक्स में जो रैम है आपको बेसिकली यहाँ पे 3200 MHz वाली LPDDR4X वाली आपको रैम मिल जाती है, जो कि काफी फास्ट होती है। डेल में आपको यहाँ पे वही LPDDR4 वाली ही वर्जन मिलता है, तो आपको यहाँ पे जो रैम की स्पीड है वो आपको इन्फिनिक्स में काफी कमाल की मिल जाती है। बाकी जो रोम है यानी कि जो इंटरनल स्टोरेज है, वो आपको दोनों में यहाँ पे SSD मिलती है, लेकिन कोई भी SATA SSD नहीं है, ये यहाँ पे NVMe
PCIe वाली SSD, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और दोस्तों अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फाइनली अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ, तो यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का जो लैपटॉप है इसमें आपको प्रोसेसर तो थोड़ा डाउन मिलता ही है, मतलब जो डेल वाला जो लैपटॉप है AMD, इसमें यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इन्फिनिक्स वाला है इसमें आपको रीड एंड राइट स्पीड तो काफ़ी कमाल की मिल जाएगी, तो इसके थ्रू आपकी मल्टी टास्किंग जो है वो आपकी काफ़ी कमाल की हो जाएगी। तो आपको बेसिकली एक यहाँ पे लैपटॉप चाहिए जिसमें आप कोडिंग कर सकें, टैली सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, तो कोई भी ऑफिशियल काम करना है, इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है, मल्टी टास्किंग करनी है, उसके लिए इन्फिनिक्स का लैपटॉप काफ़ी सही रहने वाला है। लेकिन जो डेल का लैपटॉप है वो ओवरऑल यहाँ पे मतलब काफ़ी सही है, मतलब ये आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी यहाँ पे बटर दे देगा, मतलब गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है दोनों लैपटॉप, लेकिन फिर भी हाँ डेल में थोड़ी सी अच्छी गेमिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे मल्टी टास्किंग भी अच्छी कर पाएंगे, हालांकि मल्टी टास्किंग के मामले में इन्फिनिक्स का लैपटॉप सही रहने वाला है। लेकिन फिर भी हाँ अगर आपको एक डेल का लैपटॉप चाहिए एक ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला, आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही मतलब ये परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाए, तो डेल का लैपटॉप भी काफ़ी सही रहने वाला है। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे वैसे इन्फिनिक्स वाले लैपटॉप में हमको यहाँ पे कुछ और भी अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी कमाल की मिल जाती है, मेटालिक बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, फॉर्म फैक्टर काफ़ी कमाल का है। इसके बाद यहाँ पे वेबकैम है उसमें हमको LEDs का सपोर्ट मिल जाता है, कीबोर्ड में हमको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाती है, इसलिए प्राइस में बिल्कुल नहीं ऐसा मतलब अवेलेबिलिटी हमको मिलती है। प्लस जो बोर्ड्स हैं वो भी हमको काफ़ी सही मिल जाती है, हमको इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी कमाल की, हालांकि कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे जो बैटरी का सेटअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे जो रैम स्पीड ये भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है, बाकी यहाँ पे ये थोड़ा सा सस्ता भी है, आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर बात करें अगर यहाँ पे डेल की, तो यहाँ पे डेल की लैपटॉप आप लोग यहाँ पे तभी लीजिएगा जब आपको यहाँ पे डेल की ब्रांडिंग से मतलब हो, प्लस यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा चाहिए हो, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको डेल में अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग पे अगर आपका मेन फोकस है और एक ऑफिशियल काम के लिए चाहिए, तो इन्फिनिक्स का लैपटॉप आपके लिए सही रहने वाला है। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे योग है इन्हीं दोनों लैपटॉप्स का कंप्लीट क्लियर कंपेयर रिव्यू। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।